हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट आई हैव डन माय बैचलर्स एंड मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अ साइकोलॉजी टॉपिक व्हिच इज एवल्यूशनरी परस्पेक्टिव फर्स्ट इज एवल्यूशनरी परस्पेक्टिव इसमें बताया गया है कि एवोल्यूशन का क्या रोल है इन फॉर्मिंग और डेवलपिंग द ह्यूमन बिहेवियर इन टूडेज टाइम एवोल्यूशन का मतलब होता है वो सारे चेंजेस जैसे बायोलॉजिकल फ़िज़िकल बिहेवियरल, कॉग्निटिव एक्सेट्रा जो एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होते रहते हैं और टाइम के साथ डेवलप होते रहते हैं या इवॉल्व होते रहते हैं ताकि वो स्पीशी इन्वामेंट में अडाप्ट कर सके एक प्रोसेस होता है नेचुरल सिलेक्शन जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी स्पीशी कैसे अपने इन्वामेंट में अडाप्ट करती है क्योंकि उसी इन्वायमेंट में उस स्पीशी के एंडसस्टर्स ने सर्वाइव किया हुआ है और वो सर्वाइवल के जो टेक्निक्स है वो जीन्स के थ्रू उनकी जनरेशन में पास ऑन हुए हैं फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है नई नई जनरेशन आती जाती है नेचुरल सिलेक्शन लीड करता है टू द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ जो और इफ़ेक्टिवली और अच्छे से किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकती है फॉर एग्जाम्पल ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आजकल के ह्यूमन बींग्स को उनके एनसेस्टर से डिफ्रेंशिएट यानी अलग करती है जैसे बिगर एंड डेवलप्ड ब्रेन जिसमें कैपेसिटी है फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर्स जैसे परसेप्शन मेमोरी रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन सेकेंड इज एबिलिटी टू वॉक अपराइट ऑन टू लेग्स यानी सीधे खड़े होकर दो पैरों पर अच्छे से चलना दिस इज फिजिकल चेंज एंड लास्ट इज द फ्री हैंड विद दर्कबल ऑपोजिंग थम इससे यह पता लगता है कि एवोल्यूशन की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनमें कॉग्नेटिव चेंजेस भी आते हैं और फिजिकल चेंजेस भी आते हैं थैंक यू For any queries, you can mail me on this email ID. For more information, follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below. Subscribe to my channel and don't forget to like, share, and comment. Bye bye.